तक के शो दंगल में पूर्व डीजीपी की दो टूक, मणिपुर में महिलाओं से दर्दनगी पर बोले पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, अगर मैं वहां पर होता तो जनरल डायर को भूल जाते, पुलिस इसलिए नहीं है कि वो मुख्य दर्शक बनी रहे। लेकिन ये सब पुलिस कर्मी और पुलिस प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्यों मैं बताता हूं, उनके सामने हिंसा का तांडव हो रहा है चित्रा जी, आखिरी व्यक्ति और आखिरी गोली तक उनको इस्तेमाल करना चाहिए था और उनको ये दावा करना चाहिए तो तुम रहोगे हम रहेंगे, दोनों अपने ही रहेंगे। पुलिस इसलिए नहीं है कि नपुंसक की तरीके से मूक दर्शक बना रहे। अगर इस पे भी तुमने गोली नहीं चलाई तो क्यों नहीं चलाई, तुमने FIR की है 2 महीने बाद, इसका क्या कारण है, तुम्हारे ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ। वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जो SSP जो भी मूक दर्शक बने थे उनका डिसमिसल, मैं निलंबन नहीं कह रहा हूं चित्रा जी, उनका डिसमिसल क्यों नहीं हुआ कि जो जनता उनके चार्ज में थे उनके ऊपर आपने ये अमानवीय कृत्य होने दिया, मूक दर्शक बने रहे, बराबर के हिस्सेदार है आप, 120 भी IPC के अंतर्गत आपके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए। ये ढपोर संघन नपुंसक बयान देना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब तक आपने क्या कर दिया है, मैं फिर कह रहा हूं और मेरा पुलिस फोर्स से आह्वान है, आप तनख्वाह इस बात की लेते हैं कि अगर आपकी बहन बेटी के साथ ये होता तो आप क्या करते, आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक तब तक बल प्रयोग करते जब तक बलवाई भाग नहीं जाते, बलवाइयों में इतना सामर्थ्य नहीं है। कोई ना कोई चित्रा जी मूक सहमति है और मैं ये चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि वहां के DM, SSP, DGP और जो भी जिम्मेदार है, अगर मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है उनको भी बर्खास्त होना चाहिए। इस तरीके का हिंसा का तांडव, मैंने आज मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा अगर आप होते तो आप क्या करते, मैं यही कहता, मैं वही करता कि आप जनरल डायर को भूल जाते। क्षमा कीजिएगा चित्रा जी, आप भूल जाते जनरल डायर को, वो आपके ऊपर द्वारा आप किसी महिला की तरफ आंख उठा के देखने काबिल आप नहीं रहते। लेकिन वाह साहब हमारा इंतजाम, मैं तो आप सबके सामने शर्मिंदा हूं, अपनी मातृशक्ति के सामने आप, मैं माननीय पूनम जी से कहूंगा परमात्मा ने आपको वो स्थान दिया है, ऐसा ऐसी दुर्व्यवस्था ये 71 में देखी मैंने, सन 84 में देखी मैंने, लेकिन भगवान ना करे ये दुर्दिन दोबारा किसी को भी देखना पड़े। बिल्कुल, महिलाएं जो पीड़िता है, कह चित्रा जी कह रहे इससे अच्छा तो हम मर जाते वो ज्यादा अच्छा था, मर जाते वो ज्यादा अच्छा था। और क्या हमने पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया, मैजिस्ट्रेसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया, नहीं लिया। आतताइयों के ऊपर हमने 10-10 लाख के इनाम किए, नहीं किए। क्या इतनी उदारता दिखाई जा रही है अपराधियों के प्रति? बिल्कुल, इनको तो जिंदा या मुर्दा लाना चाहिए था चित्रा जी, क्षमा कीजिएगा, जिंदा या मुर्दा मैं कह रहा हूं, 10-10 लाख के इनाम क्यों नहीं किए गए अब तक।